हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। ये सेमी पेरीमीटर आप 10th क्लास में खूब यूज़ किए होंगे। सेमी पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर और हेरोंस फार्मूला आप नाम बहुत लेते होंगे, वहाँ पर 9th 10th में खूब चलता है। तो ये आप जानते हैं कि ये बी सी, अगर ये ट्रायंगल है कोई तो इसमें साइड ए, साइड बी, साइड सी यही होती है। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? मीन्स सेमी पेरीमीटर, आप सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये क्या है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी है ना होता है। और इसको आप क्या लिखते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं ऐसा होने के लिए। एक कई जगह रेशियोज में अपीयर होता है और या रिलेट होता है करते हैं इसको, तो छोटे में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो इसके टर्म्स में, ये इसके टर्म्स में हम रेशियोज कुछ एंगल्स के इनके सब मल्टीपल्स आते हैं, ए बाई टू, ए बाई टू वाले या बी बाई टू वाले जो भी आएंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो कोसाइन रूल्स का यूज है, तो यहाँ पर क्या है यूज ऑफ कोसाइन रूल, ये भी है, ये भी हम करने जा रहे हैं। तो फिर क्या लिखते हैं? देखिए, अगर हम इससे साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू का फार्मूला निकालना चाहें तो साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू के लिए रिलेशन कैलकुलेट करना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें, तो हम इजीली कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। आप कॉस टू ए जानते हैं या कॉस ए आपको मालूम है, क्या है ये वन माइनस, या फिर आप इसको वहाँ शुरुआत करिए कॉस टू ए से। आप कॉस टू ए आपको मालूम है क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए ऐसा है। या क्या कर सकते हैं, कॉस ए इक्वल्स इफ टू ए इज रिप्लेस्ड बाई ए, ए की टू ए के प्लेस में जब हम सब मल्टीपल्स के लिए रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे तो यही कर रहे थे ना। तो टू ए के लिए के प्लेस में, टू ए की प्लेस में हमने ए रख दिया और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू ये हो गया। तो फिर हमें साइन ए बाई टू फाइंड आउट करना है, तो इसको ले आते हैं इधर, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स वन माइनस कॉस ए। और कॉस ए को आप जानते हैं, कॉस ए अगर अब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी ये लिखते हैं। ऐसे कॉस बी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ऐसे ही तो होता है। कॉस रिलेशन से पहले आप लिख चुके हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए वन माइनस बी स्क्वायर, हियर वन माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी। और एलसीएम ले लेते हैं, टू बी सी इक्वल्स व्हाट, टू बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। या इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी ओके डिवाइड बाई टू बी सी। तो ये फिर क्या हो गया, बी माइनस सी, ये बी माइनस सी के लिए एक रिलेशन बन गया ओके। बी माइनस सी के देखिए, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी, ए प्लस बी माइनस सी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी माइनस सी ये कर सकते हैं डिवाइड बाई टू बी सी। और क्या हो सकता है, ए
प्लस बी माइनस सी एंड हियर ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी टू बी सी। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए हम सी यहां पर ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पर एस के टर्म भी लेना चाहते हैं हम, इन रिलेशन में एस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी होता तो यहां पर टू एस लिख देते, है ना, टू एस इक्वल्स क्या है ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अभी यहां पर क्या है नहीं ऐसा, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी कर सकते थे, एक बार प्लस ऐड किया एक बार माइनस कर दिया, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी यहां माइनस टू भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा टू बी सी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ टू एस, ये भी टू एस लिख सकते हैं इक्वल्स टू एस माइनस टू सी एंड हियर टू एस माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू बी सी। ओके सो साइन स्क्वायर ए बाई टू यहां पर आ गया। अब देखिए क्या है, यहां टू दोनों में से कॉमन हो गया, यहां भी अभी टू बचा हुआ है तो इससे क्या लिख सकते हैं, सो टू कॉमन होकर के आ जाए, टू कॉमन होकर के आएगा बाहर और ये कैंसिल होगा किससे, टू टू से, यहां यहां भी टू है उधर पीछे भी टू है तो आ जाएगा दोनों साइड में से। सो भाई इन रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, सो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स फोर एस माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई टू बी सी। तो क्या हुआ टू टू यहां देखिए कैंसिल हो जाएगा इससे इससे मिला के, सो साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, याद रखिए। तो साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू रूट साइन ए बाई टू इक्वल्स रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ये आपको एक रिलेशन मिल गया, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। तो अब देखिए यहां पर क्या आप किसके लिए हैं, साइन ए बाई टू ए के लिए लिए हैं, ए का सब मल्टीपल है और यहां क्या लिख रहा है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो जो पैटर्न आपको मिलेगा आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ b बाई टू होगा तो क्या होगा, यहाँ a और c रहेंगे और यहाँ a c रहेगा और यहाँ c रहेगा तो यहाँ a और b रहेंगे और यहाँ a भी नीचे a भी रहेगा, तो सीधे लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट रिलेशंस फॉर व्हाट साइन a बाई टू साइन b बाई टू। ओके सिमिलरली सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट रिलेशंस क्या कर सकते हैं, साइन बी बाई टू रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस ए सी एंड साइन सी बाई टू दिस angles this is angle c and here s minus a s minus into s minus b divided by a b। okay ऐसा है। तो अब क्या करेंगे, कोसाइन के लिए लिख सकते हैं, साइन के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया तो कोसाइन के लिए भी हो सकता है, फिर टैन के लिए भी हो सकता है,
तो ये रिलेशन कलेक्शन देखिए, यहाँ पर एस माइनस एस माइनस बी और इधर हैं, तो सभी एक पैटर्न जैसा एक ही जैसा दिखता है, तो आप लिख सकते हैं आराम से। अब कोसाइन के लिखते हैं, अगेन फ्रॉम कॉस टू ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, और कॉस ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स वन प्लस कॉस ए फ्रॉम लॉ ऑफ कोसाइन, ओके, एंड फ्रॉम लॉ ऑफ कोसाइन टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स वन प्लस, दिस इज ए, ए मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी, और यहां पर क्या हो जाएगा फिर, टू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड टू बी सी डिवाइड बाई टू बी सी। सो ये देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है टू बी सी, सब अभी क्या हुआ, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया एंड ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और यहां पर यहां नया कर सकते हैं, क्या हुआ बी प्लस सी प्लस ए एंड बी माइनस b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई टू बी सी, ये डिवाइड बाई टू बी सी ऐसा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए b प्लस सी ये तो ऐसे ही होगा, टू एस हो गया, ये तो टू एस हो गया, और यहाँ क्या हुआ माइनस ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टू एस, हम ऐसा लिख सकते थे यहाँ टू एस तो डायरेक्ट लिख दें, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए ऐसा कर दें और टू बी सी हो गया, तो ये हो गया टू एस और टू एस माइनस टू ए डिवाइड बाई टू बी सी, तो फिर सीधे हम आ गए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बाई टू सीधे, और क्या मिल जाएगा हमको कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स, देखिए टू टू उधर से कैंसिल हो जाएगा, एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, तो यहाँ ए है तो यहाँ एस माइनस ए आएगा, नीचे बी सी आएगा, तो फिर और के लिए आपको रास्ता खुल जाता है, सिमिलरली ओके कॉस स्क्वायर बी बाई टू क्या मिल जाएगा, एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा एक, और फिर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू एस एस माइनस सी, दिस इज साइड सी अपॉन ए बी, तो ये रिलेशन हो गए तीन, या उनको हम स्क्वायर से हटा करके अंडर रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में, और कॉस ए बाई टू रूट एस एस माइनस ए बाई बी सी, कॉस बी बाई टू रूट एस एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी, एंड कॉस सी बाई टू दिस इज एंगल सी, एंड हियर एस एस माइनस सी डिवाइड बाई
ए बी, सो रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स. सो यू कैन टेक रेशियो फॉर टैन, ओके टैन ए बाय टू. सो यूजिंग दिस रेशियोज फॉर साइन एंड कॉस, सो टैन ए बाय टू. सो यूजिंग रेशियोज फॉर साइन एंड कोसाइन वी कैन गेट ओके रेशियोज फॉर टैन, रेशियोज फॉर टैन. ओके सो टैंजेंट के लिए भी लिख सकते हैं यहां पर, ये क्या मिल जाएंगे, सो टैन ए बाय टू टैन ए बाय टू. सो लेट अस इरेज दिस ट्रायंगल. ओके टैन ए बाय टू मीन्स दिस इज रेशियो ऑफ साइन ए बाय टू एंड टू कॉस ए बाय टू, कॉस ए बाय टू. So sin a by 2 is there, okay, and cos a by 2 is there. So this BC, BC will get cancelled. So this is ratio how much? S minus B, S minus C divided by BC. Okay, this is in under square root, and again here under square root cos a by 2. S S minus A S minus A and divided by BC. So BC BC will cancel here, get cancelled here, and tan A by 2 equals, you can see here easily, okay, root S minus B S minus C divided by S S minus A. Okay, so here if here is A, then this is B, C and denominator. So if here is A, then on the right hand side you will get S minus, you will get S minus B, S minus C, S minus A. Okay, in this manner. So write for tan B by 2. So under square root S minus A S minus C divided by S S minus B. And now tan C by 2 under the square root here S minus B S minus A S minus B divided by S S minus C. Okay, अब हम इनका यूज और भी रिलेशन में कर लेते हैं. अभी आप ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, तो ट्रायंगल का रेशियो और ट्रायंगल का एरिया भी लिख सकते हैं इससे, इनकी हेल्प से. और वहां पर आपको पहले से रिलेशन मालूम है कि ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टू ऐसा करके होता है, तो उसकी हेल्प से एरिया भी ले सकते हैं. अब इनका रिलेशन ये सब का यूज़ कर सकते हैं आप, साइन ए बाय टू, कॉस ए बाय टू और इन सब का. इन्हीं रिलेशन का यूज़ करके हम और क्या कर सकते हैं, हम साइन ए, तो साइन ए बाय टू, कॉस ए बाय टू के लिए रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, साइन ए के लिए भी कर सकते हैं, कॉस ए के लिए कर सकते हैं. तो अभी हम साइन ए के लिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ है और ए के लिए, एक साइन के लिए हम ये रेशियोज
इनके टर्म्स में साइन जो रेशियो है वो हम इस सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। तो आइए इनका यूज़ कर लेते हैं। और कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू आप देखते रहिए, टेन ए बाई टू यहाँ देख लिए, और इनका हमको यूज़ करना है तो इन दो रिलेशन का यूज़ करना है, उन्हीं से काम हो जाएगा। देखिए क्या होगा, जो साइन ए बाई टू या साइन ए क्या है, साइन ए को ओके फॉर साइन ए ओके, सो वी कैन राइट साइन ए क्या हो जाएगा, ये टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए, ऐसा पहले हो चुका है। तो इन्हीं में से देखिए क्या कर सकते हैं आप, साइन ए बाई टू की वैल्यू लिख सकते हैं टू, और देखिए साइन ए बाई टू क्या है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, दिस इज होल अंडर स्क्वायर रूट हियर, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू दिस इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए बाई टू ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एस एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी अंडर स्क्वायर रूट, सो वी कैन राइट हियर टू बाई बी सी एंड दिस कम्स हियर व्हाट एस रूट अंडर स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कुछ लग रहा है ऐसा, कुछ जाना पहचाना रिलेशन ये आ रहा है ना। तो ये रिलेशन मिल गया आपको साइन ए इक्वल्स और साइन ए इक्वल्स ये, तो फिर यहाँ क्या होगा, ये है तो यहाँ बी सी है तो बी होगा तो ए सी होगा, यही सब होगा ना। तो आइए सिमिलरली साइन बी इक्वल्स टू बाई ए सी रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसे हो जाएगा, एंड साइन सी इक्वल्स टू बाई ए बी एंड दिस इज एस एस माइनस एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इन्हीं की जो आप हेरोंस फार्मूला पढ़ते थे वो ट्रायंगल की एरिया के लिए, तो यहीं से आता है कि ये कैसे मानते हैं, ट्रायंगल तो एक बना ही हुआ था यहाँ कि ए बी सी, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, ये बेस इनटू हाइट एरिया के लिए चाहिए ना, बेस इनटू हाइट, तो ये ए डी है, तो यहाँ पर क्या है पूरा ए सी के सामने की साइड सी, इसके सामने की साइड बी, बी के सामने की, तो इसमें हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्हीं के टर्म्स में, अगर ये बी है तो साइन बी क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर साइन बी क्या लिख सकते हैं, ए डी यानी एच हाइट, हाइट अपॉन इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूस है ना, है कि नहीं, इस बी के लिए ए एच क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी के लिए यहां पर सी हाइपोटेन्यूस है, तो साइन बी क्या हो जाएगा, एच बाई सी हो जाएगा, एच बाई सी, और आप साइन बी यहां लिखे हुए, साइन बी यहां पर है, तो क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिखते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ
ट्रायंगल एबीसी इज व्हाट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट और यहां के लिए अभी के लिए बेस क्या है ए और हाइट क्या है एच तो हाफ इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा एच सी साइन बी सी साइन बी हो जाएगा ना एच एच इक्वल सी साइन बी ये हो जाएगा आपको इससे क्या मिल जाएगी एरिया मिल जाएगी तो हाफ ए सी और साइन बी क्या है इंटू टू ए सी रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी ऐसा मिल गया सो दिस एरिया कम्स हियर यू नो दिस वेल रूट एस एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो बच्चों में हाथ आ गए तो ये हो गया काफ़ी हो गया मैं समझता हूँ आज के लिए तो फिर ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह यूज़ किए मैं तो आपके सामने है कहाँ से आया ये मालूम हो गया यही ट्रायंगल एरिया का है ना एरिया है ट्रायंगल का एरिया है तो ठीक है बच्चों इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियोस को शेयर करिए सबके तक पहुंचाइए मोटिवेट करिए लोगों को चैनल से जुड़े और आप एक काम ज़रूर करिए कि बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको और साथ बने रहिए थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट